कल ये पूछा गया है कि कितने कर्मचारी और कितने वाहन हमारे चुनाव के कार्यक्रम में हैं, तो पुलिस के बारे में मैंने कल बताया कि 1,80,000 पुलिस बल तैनात है, जो प्रदेश का 80,000 और 1,00,000 बाहर से जो आए हैं। उसके अलावा हमारे 3,00,000 कर्मचारी सभी पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं, जिसमें 45,000 महिला कर्मचारी हैं। 3,00,000 में से 45,000 महिला कर्मचारी हैं और 2,000 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जाएंगे, 2,000। और 160 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारी, जो दिव्यांग पोलिंग पर्सनल हैं, उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। हम ये वो उन्होंने सहमति दी है कि वो बताना चाहते हैं कि वो इस काम के लिए सक्षम हैं, और जैसे बाकी मतदान केंद्रों में बाकी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, वैसे वो ड्यूटी करके दिखाएंगे कि वो सफल से संचालित करेंगे। 2,000 मतदान केंद्र ऐसे हैं 65,000 में से जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जाएंगे 28 तारीख को, और 160 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जाएंगे। इन 3,00,000 कर्मचारियों के अलावा 12,000 ऐसे केंद्र शासन के कर्मचारी तैनात हैं जो माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ काम करेंगे, जो जिलों में निर्वाचन क्षेत्र में जो ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन ऑब्जर्वर्स ने इनका ट्रेनिंग करके, इनका सेलेक्ट करके उन ऑब्जर्वर ने इनको तैनात करने के लिए निर्देश दिए हैं। और ये 12,000 कर्मचारी केंद्र शासन के कर्मचारी हैं, और एक एडिशनल पोलिंग पर्सनल के रूप में जो 5 कर्मचारी होते हैं मतदान केंद्र में, उनके अतिरिक्त एक एडिशनल जो निगरानी के रूप में ये माइक्रो ऑब्जर्वर काम करेंगे।